सब तो काय काय नहीं काय है वो? पता नहीं भैया, वो प्रिंस फोन नहीं उठा रहे, हो सकता है किसी काम में बिजी होंगे। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आखिर रह कहाँ गए थे आप? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भैया को आपसे बात करनी थी। काम में बिजी। कौन से काम में बिजी थे प्रिंस? जो काम तुम्हें करना था वो तो तुमने किया ही नहीं ना। दिल्ली वाला ऑर्डर कैंसल हो गया है, कहा है कि माल सही समय पर नहीं पहुंचा। कारण जान सकते हैं प्रिंस? इसकी वजह से बाजार में हमारी कंपनी की साख को कितना नुकसान पहुंचा है तुम जानते भी हो कि नहीं प्रिंस? कहा है क्या तुमने ऐसे? किसी को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका कहे दिया प्रिंस? ये ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है जानते हो तुम? भाईरा, जब वो दिल्ली वाले क्लाइंट की डील मेरी गलती की वजह से कैंसिल नहीं हुई है। बल्कि मैंने ही जानबूझकर कैंसिल की है। कि वो हमारी कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए, और जहां तक ऑर्डर का सवाल है तो मैंने एक दूसरी कंपनी से उससे भी बड़ा ऑर्डर ले लिया, जहां में उससे भी बड़ा मुनाफा होगा। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले प्रिंस तुमने हमारी राय काहे नहीं ली? जिनसे तुमने ऑर्डर ली है ये लोग भरोसे के लायक नहीं है प्रिंस। हम इन लोग के साथ काम कर चुके हैं। भाई राजा, ये जरूरी तो नहीं है ना कि जिस कंपनी के साथ आपका एक्सपीरियंस खराब रहा हो उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी खराब रहेगा। अब फिर आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि ऑर्डर पूरे 200 करोड़ का है? अरे मानते हैं 200 करोड़ का ऑर्डर है प्रिंस, लेकिन इसमें ये लिखा है कि ये ऑर्डर एक हफ्ते में हमें पूरा करना है, और हम जानते हैं एक हफ्ते में ये ऑर्डर पूरा नहीं हो सकता है। और तो और इसमें ये लिखा है कि बतौर 50 करोड़ जमानत हमें भरनी है। अगर ऑर्डर पूरा नहीं कर सके तो 50 करोड़ भी डूब जाएंगे। ये धंधा नहीं है प्रिंस, ये खुद को लुटाने वाली बात है। डील अभी इसी वक्त कैंसिल करो तुम। लेकिन भाई राजा, मुझे पूरा विश्वास है, मैं एक हफ्ते के अंदर उन्हें 200 करोड़ रुपए की डिलीवरी दे सकता हूँ। फिर हमारा मुनाफा भी तो बड़ा होगा ना। और अगर ऑर्डर पूरा नहीं किया तो पूरे 250 करोड़ का नुकसान होगा प्रिंस।